क्वेश्चन ये है कि रीजन टू में बी डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद वेज स्टॉप हो जाता है, तो हमें वेज की इनिशियल वेलोसिटी वी नॉट फाइंड करनी है। ये गिवन है कि रीजन वन में एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़ीरो है, लेकिन रीजन टू में एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के इक्वल है, तो इसको प्रोसीड करते हैं। तो इस क्वेश्चन को हम न्यूटन्स लॉ या वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई करके सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम इस क्वेश्चन को वर्क एनर्जी थ्योरम से सॉल्व करेंगे। तो एज्यूम करते हैं कि किसी स्टैंड पर वेज रीजन टू में एक्स डिस्टेंस इंटर कर चुका है, ठीक है। ये एंगल थीटा के इक्वल है, हाइट स्मॉल एच के इक्वल है, दिस डिस्टेंस इज इक्वल टू ए, और ये जो डिस्टेंस है ये बी के इक्वल है, ठीक है। अगेन इस लाइन के इस तरफ रीजन टू है और इस तरफ रीजन वन है। रीजन वन में एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़ीरो है, लेकिन रीजन टू में एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के इक्वल है, ठीक है। और जो वेज है वो रीजन टू में एक्स डिस्टेंस इंटर कर चुका है, ठीक है। तो हम देख सकते हैं कि वेज का जो रीजन टू वाला पार्ट है उस पर एयर फोर्स अप्लाई करेगा, तो फोर्स का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा उसकी वजह से वेज डिस्कलेट करेगा और फिर स्टॉप कर जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि पहले ये फाइंड करेंगे कि एयर जो फोर्स वेज पे अप्लाई कर रहा है उसका टोटल वर्कडन कितना है, ठीक है। देन वी विल अप्लाई द वर्क डन बाई ऑल द फोर्सेज ऑन द वेज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द वेज, ठीक है। तो इस इंस्टेंट पर हम वेज पर एयर फोर्स फाइंड करते हैं, ठीक है। तो इस एरिया पर एयर नॉर्मल फोर्स अप्लाई करेगा, ठीक है। फोर्स बाई एयर प्रेशर इज इक्वल टू प्रेशर इनटू एरिया, ठीक है। अगेन लेट दिस लेंथ इज इक्वल टू स्मॉल एल, ठीक है। तो ये जो एरिया है ये एल इंटू ए के इक्वल हो जाएगा। तो इस इंस्टेंट पर ये जो एरिया है वो एल इंटू ए के इक्वल है। पी इज इक्वल टू 1 इंटू एरिया दैट इज एल इंटू ए, ठीक है, इक्वल टू। तो यहाँ पर जो एल है वो एक्स बाई कॉस थीटा है, सो दिस इज एक्स बाई कॉस थीटा इंटू ए, ठीक है। तो ये जो फोर्स है वो इस एरिया के नॉर्मल है, ठीक है, लेकिन हमें इस फोर्स का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट चाहिए, ठीक है, क्योंकि इस फोर्स का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वही नेगेटिव वर्क कर रहा है। जो वर्टिकल कंपोनेंट है उसका वर्डन ज़ीरो है, ठीक है, क्योंकि जो वेज है वो सिर्फ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक है। तो इस वेज पर जो बाकी फोर्सेस हैं सबका वर्डन ज़ीरो है, सिर्फ एफ का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है उसी का वर्डन नेगेटिव है, मतलब नॉन ज़ीरो है, ठीक है। तो हम इस एफ का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट फाइंड करते हैं, एफ एच। तो यहाँ पर एफ इस डायरेक्शन में नॉर्मल टू द सरफेस अप्लाई हो रहा है, दिस इज एफ, ठीक है। तो एफ का हमें हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, मतलब ये वाला कंपोनेंट चाहिए। ये एंगल थीटा है, ये एंगल भी थीटा है, तो ये एंगल 90 माइनस थीटा होगा, ठीक है। तो इस तरफ एफ का जो कंपोनेंट है वो एफ एच है, ठीक है। सो वी हैव
एफ एच इक्वल टू एफ साइन थीटा, दिस इज इक्वल टू हो जाएगा एक्स ए इंटू साइन बाई कॉस दैट इज टेन थीटा, ठीक है, इक्वल टू एक्स ए इंटू, तो उस टेंगे से देख सकते हैं कि टेन थीटा एच बाई बी के इक्वल है एच बाई बी, ठीक है। अगेन मान लेते हैं वेज का स्मॉल डिस्प्लेसमेंट डी एक्स है, ठीक है, तो जब वेज स्मॉल डिस्प्लेसमेंट डी एक्स से डिस्प्लेस करेगा तो एयर का स्मॉल वर्क डन डी डब्ल्यू माइनस एफ एच डी एक्स के इक्वल होगा, ठीक है, दिस इक्वल टू माइनस एफ एच। तो यहाँ पर जो हॉरिजॉन्टल फोर्स है वो बैकवर्ड एक्शन में है लेकिन वेज का डिस्प्लेसमेंट फॉरवर्ड एक्शन में है, इसलिए जो वर्क डन है वो नेगेटिव होगा, ठीक है, दिस इक्वल टू ए एच बाई बी इंटू एक्स डी एक्स, ठीक है। सो दिस इम्प्लाइज दैट टोटल वर्क डन बाई द एयर फोर्स इक्वल टू माइनस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ ए एच बाई बी इंटू एक्स डी एक्स फ्रॉम एक्स इक्वल टू जीरो टू एक्स इक्वल टू बी, ठीक है, इक्वल टू माइनस ए एच बाई बी, ये कॉन्स्टेंट है, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई टू, तो ये बी स्क्वायर बाई टू हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू माइनस ए बी एच बाई टू, ठीक है। अगेन चेंज इन काइनेटिक एनर्जी फाइंड करते हैं, दिस इक्वल टू के ई फाइनल माइनस के ई इनिशियल, ठीक है। तो वेज बी डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद स्टॉप हो जाता है, तो वेज की फाइनल काइनेटिक एनर्जी जीरो है, इज इक्वल टू जीरो माइनस हाफ कैपिटल एम इंटू वी नॉट स्क्वायर, ठीक है, दिस इज चेंज काइनेटिक एनर्जी एंड दिस इज इक्वल टू वर्क डन बाई ऑल द फोर्सेस, ठीक है, सो बोथ मस्ट बी इक्वल, ठीक है। सो दिस इम्प्लाइज दैट ए बी एच बाई टू इज इक्वल टू एम वी नॉट स्क्वायर बाई टू, टू टू कैंसिल, सो फाइनली वी हैव वी नॉट इक्वल टू रूट अंडर ए बी एच डिवाइड बाई कैपिटल है, ठीक है। तो इस तरह से ये आंसर हो गया और इस तरह से ये सॉल्यूशन हो गया। थैंक यू।